तो आप जब भी जंप पे आते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग कर लिए, स्ट्रेचिंग कर लें ऐसा जैसे आप कर रहे हैं यहाँ पे। आप जैसे स्ट्रेचिंग कर लेते हैं उसके बाद आप, अगर आप अपना जंप इम्प्रूव अच्छे से करना चाहते हैं तो आप ऐसा लकड़ी का हर्डल जंप बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपकी लेग का मसल्स एक्टिव हो जाता है और आप अच्छा जंप कर सकते हैं और आपको आसानी हो जाती है हाई जंप करने में। जैसे कि कर सकते हैं जंप पीछे की फिर आगे कूद, उसके बाद फिर ऐसा मोड़ के फिर जंप लगा, ये आ जा, हाँ ये, और बॉडी को ना चिपका के रख, पैर 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 जितना चिपकेगा उतना जंप अच्छा ऊपर खुलेगा, ये इधर आ जाओ, इससे ना जंप इंप्रूव हो जाता है अच्छे से, बस दिखाता हूँ ठीक है। अब चल आगे आप कूदना ऐसे कर, ये चल ये लगा, और इसमें भी लगा जोर से, ये क्या पार हुआ पूरा पूरा चिप ज्यादा जितना, मतलब पंजे तू चिपकाएगा और पैर चिपकाएगा ना, तेरा बॉडी खुद ब खुद तेरे को आगे की ओर फेंकता है जंप। अब जब तू चौड़ा कर देता है ना पैर, तो तेरा बॉडी ना पीछे झुकता है देखना, इसलिए हाँ हल्का भी तू हवा में करेगा ना, तेरा जो बॉडी है ना पीछे ना झुक जाता है ना, तो हाइट नहीं मिल पाता उतना। चल गुड 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 गुड, लास्ट वाला के चल हो गया, कोई नहीं बढ़िया था, और पहले कर पा रहा था नहीं, यही तो नहीं बताते। तो आप ये वाला प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 से 3 बार आप कर सकते हैं इसको अपने वार्म अप में प्रैक्टिस। आप स्टार्टिंग में तो यही करिए, नीचे लेवल से करिए, अभी तो ये थोड़ा ऊंचा है तो आप थोड़े नीचे लेवल से आप कर सकते हैं शुरुआत, जिससे आपका जंप अच्छा इम्प्रूव होगा। मैंने भी अपना जंप इससे ही अच्छा इम्प्रूव किया था और फ़ायदा भी मिला था, बहुत लोगों को भी हुआ था इससे फ़ायदा। आप भी बना सकते हैं ऐसा, गुड हुआ यही होता है, इसलिए वही गलती कर रहा था ना मैं, देखा ना तेरे पैर कल थोड़ा ना ऐसा हो जा रहा था, यहाँ तक के सही आ रहा था, चिपका के भी आ रहा था ना, ये वाले में ना तीन वाले यहाँ तीन क्लियर करता, इसमें वैसा हो जाता था, मतलब पीछे झुकता था ना बॉडी, तो जंप नहीं ले पा रहा था। ऐसा करके आप अपना लेवल इम्प्रूव करते जाए ऊपर की ओर, जैसे जैसे आपका जंप खुलते जाएगा। आइए आपको दिखाता हूँ हाई जंप में। आप क्वेश्चन करते हैं कि आपको बेली जंप सीखना है हाई जंप में शुरुआत से, तो आप कैसे इंप्रूव करें? बेली जंप आता है तेरे को? कल सीखा, सीखा है कल सीखा है, चल एक बार ट्राई कर सर, नीचे लेवल करूँ यहीं करेगा नीचे लेवल, कूद लेता है इसको, चल ठीक है चल जंप दिखा, कल ही सीखा और चल ठीक, देखो एक दिन में सीख लिया ये, गुड एक दिन में सीख गया ये, इसको भी कूदा है चल ठीक है। ये मतलब अगर तेरे को ना, अगर तू भर्ती में जा रहा है ठीक है, अगर तेरे को मिला ये वाला सरल है जी, ये मतलब तू तेरे को ना उससे भी सरल पड़ता है, जो कैची वाला करता है ना, कैची करता है क्या, उसमें जल्दी बॉडी थकता है, दौड़ के आएगा तू वहां से जल्दी थक जाता है बॉडी, तो इसमें ना थकता नहीं है, पास से कूदेगा लेकिन अच्छा कूदेगा, उतना ज्यादा ताकत का ही है इसमें, थोड़ा जंप जैसा लगाएगा, चल ठीक चल कर, हाँ ठीक था थोड़ा बॉडी को ना। अब मैं इसमें क्या गलती हो रहा है मैं तेरे को बता रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ इसकी गलती अब, पैर का गलती हो रहा है, टच हो रहा है, इसमें क्या गलती हो रहा है मैं बताऊं, तू जंप ले रहा है यहां से
इतनी दूर से जंप ले रहा है और वहाँ उतना दूर जा रहा है, तेरे को उतना दूर जाना ही नहीं है। अब मैं तेरे को बैली करके दिखाऊं। ये ले, बहुत टाइम बाद मैं बैली करूंगा नीचे से। वहाँ तू जहाँ कूदेगा ना वहाँ पे तो ज्यादा बॉडी का ताकत लगेगा, तो जब में तू जाना ही नहीं है, बॉडी ऊपर उछलेगा ही नहीं, तेरे को उछाल के बस यहीं पे पलटा ना। एक बार करके दिखा, इसी मेरा पैर खुलता है ऐसे आया ना, बॉडी को ना यही करना है, पाइप से ना बस तेरे को मोड़ना है, उधर जाने की जरूरत नहीं है, जितना अंदर रहेगा उतना। बॉडी मूवमेंट पता चलेगा उससे, चल धीरे जा, पलट, हाँ ऐसे ही, ये देखो आप भी कर सकते हैं ऐसे शुरुआत, अगर आप बिगिनर हैं तो, आप बिगिनर हैं तो आप ऐसे ही शुरुआत कर सकते हैं, ये पलटा, इसे आपको बॉडी को ना बैलेंस बनाना है, ऐसी पलटा के गिरा दे उधर, मतलब गिरा नहीं है तेरे को, बॉडी पलटा पलटा के, उसके बाद रुक, इसमें कर, मैं करता हूँ इसको वहीं पे डाल, इसमें कर, चल कुछ इसमें जंप लगा, दूर नहीं जाना, यहीं करना, मैं तो ऐसे क्यों, पास से बैली जंप ना, पास से सही बनता है, जाग पलटा चल, उधर उतना ना मत, मतलब उधर मत जा, उधर जाने की कोशिश कर, अंदर जितना अंदर जाएगा ना उतना तेरा बॉडी ऊपर उछलेगा, जंप होता है उससे, देख और जाके ना, हाँ गुड, ये सही था, चल ऊपर वहीं से कर, ज़्यादा दूर जा मत, चल हाँ गुड हो रहा है, चल गुड, बढ़िया, आप भी ऐसा करिए प्रैक्टिस, देखो एक दिन में सीख गया ये, सीख रहा है, हाँ बढ़िया था, चल हाँ देख, ज़्यादा वो ताकत नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, अब तू वहाँ से दौड़ के आ रहा था, यहाँ जा रहा था, तो बॉडी थक जाता है, चलिए फर्स्ट इसमें कर दिया हूँ, चल कर इसको मार, गुड गुड गुड, यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चल इसमें गुड, देखो जम, थक लग रहा है, बता थक तो रहा है, रेस्ट करना चाहते तो रेस्ट कर ले, ले हाँ गुड, ले वाह, तो इतने में ना अच्छे से और थोड़ा अंदर आने की कोशिश कर, गुड, हाँ ये परफेक्ट है, जो यहाँ पे तू जंप ले रहे ना, यहाँ पे ले, कितना दूर है, मैं इतना ही है यहाँ से, यहाँ कूदा बस जंप, और तू यहाँ जब कूद रहा था यहाँ पे आया था उस समय, सोच तेरा बॉडी ज्यादा स्पीड में था पता है, अब तू ज्यादा स्पीड में रहेगा ऊपर कूद पाएगा, बता, धीरे आना है, बस शरीर को उछलाना है, उछालना है और जंप लेना, और जितना तू पाइप के पास में रहेगा ना इतना तू इतना जंप होगा, और अच्छा लैंडिंग का है, अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग में होता थोड़ा बहुत हाथ जाता, हाँ गुड, देख पास से देख, सीख गया ना, डाल ऊपर, ये मेरे घर का नल का पाइप है, इसी से मैंने शुरुआत की थी, तो देखो अभी भी है, गुड हो जाएगा, बढ़िया, तो जो बिगिनर्स है आप भी ऐसी शुरुआत करिए, बहुत सरल है बैली जंप, बस आपका बॉडी वेट अच्छा होना चाहिए, जंप अच्छा होना चाहिए और टेक्निक अच्छा होना चाहिए आपको,